सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बनता है और किसी को आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। मत गुस्सा करना अपनी माँ पे यारो, वो माँ की दुआ ही है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाती है। आज का पंचांग 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 1:22 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 12:53 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 7:59 से 9:23 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर 6:39 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार, यह समय दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ गुजारें, आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचि आप जैसी होगी और वो आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आपको अपनी क्षमता का अनुभव भी होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने जैसी योजना भी बनेगी तथा खुशी भरा वातावरण रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहेगा। क्रोध को काबू में रखें, शांत दिमाग से निर्णय लेने की आवश्यकता है। आपका अहंकार बढ़ सकता है, इस बुराई से बचें। मन की शांति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। काम से संबंधित एकाग्रता बढ़ने की वजह से बड़े काम को अंजाम दिया जाएगा। आप और परिवार के लोग एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे, इस कारण परेशानियां हो सकती है। महिलाओं को सेहत संबंधित दिक्कतें हो सकती है। सावधानियां, अचानक ही कोई नकारात्मक बात उठने से मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। कोशिश करके इन बातों को हावी ना होने दें तथा परिस्थितियों को संभाल कर रखें। आज किसी भी प्रकार के लेन देन संबंधित मामले स्थगित रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी परंतु अपने संबंधों के किसी भी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियां बढ़ेगी। आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर तरह के संबंध को लेकर लापरवाह रहे हैं, लेकिन आपको समय रहते इनमें आगे दूरी को कम करने कदम उठाने चाहिए। आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफ़ी साथ दिया है, लेकिन आप उसी उत्साह से उनका साथ नहीं दे पाएंगे। केवल अपने साथी की कमियां ढूंढने में ना लगे रहें। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है खुद में कितना सुधार कर लिया है। बात करते हैं करियर की। आपका कार्य के कारण हर छोटे बिंदु का मूल्यांकन और हर कार्य को पूरा करने के लिए सावधानी बरतना आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपको और अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको अपने सामान्य कुशल तरीके से इनसे निपटना होगा। करियर के अवसर में आने वाले समय में वृद्धि कर सके। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन आपको बुद्धिमानी से निवेश और देखभाल के साथ अपने अग्रिम सालों के लिए योजना बनानी होगी। कार्य क्षेत्र में कोई नया काम ना करें, अपने स्वभाव को सहज रखें। गुस्से की वजह से बनते काम बिगड़ सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे, जिससे उच्च अधिकारियों के बीच उनकी सराहना भी होगी।
बात करते हैं सेहत की। अपना रूटीन चेकअप करवाएं। ब्लड प्रेशर से संबंधित किसी समस्या में अपना ध्यान रखना जरूरी है। अगर पिछले कुछ समय से आप अपने वजन को लेकर परेशान हैं तो आज आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। संतुलित भोजन और एक्सरसाइज का एक स्वास्थ्यकर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप अपने इस कार्यक्रम में आसपास से किसी की मदद और सलाह ले सके तो आपकी सफलता की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।